हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर की लेक्चर सीरीज में मैं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द लेटेस्ट आईटी गैजेट एंड देयर एप्लीकेशन। यहाँ पे हमको आईटी गैजेट के बारे में बताना है और उनकी एप्लीकेशंस बतानी है, ठीक है। यानी हिंदी में देखा जाए क्वेश्चन तो नवीनतम आईटी गैजेट्स और उनके अनुप्रयोगों का वर्णन करें। तो यहाँ पे हमें आईटी गैजेट्स बताना है कि आईटी गैजेट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो जान लीजिए आईटी के बारे में कि आईटी क्या होता है। देखिए, आईटी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा आप सूचनाओं का यानी इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान कर सकते हो। और गैजेट, गैजेट से क्या मतलब हुआ? गैजेट यानी ऐसी कोई डिवाइस, ऐसी कोई वस्तु जिसकी सहायता से आप इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान करोगे, ठीक है। तो आज के ज़माने में कई सारी मॉडर्न गैजेट्स मौजूद हैं जो कि आईटी से रिलेटेड है और इनकी मदद से आप कई सारे काम कर सकते हो। जैसे कि एक सबसे अच्छा उदाहरण हो गया आपका मोबाइल फ़ोन, ये भी क्या एक तरीके का आईटी गैजेट ही है ना। आप इसकी सहायता से सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हो, इंटरनेट चला सकते हो, इस पे सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हो, अपनी सूचना को किसी दूसरे को भेज सकते हो मोबाइल के जरिए, कंप्यूटर के जरिए। तो इसी प्रकार मोबाइल और कंप्यूटर तो कॉमन हो गए, लेकिन उससे हटकर आज के टाइम में बहुत नए नए आईटी गैजेट्स आ रहे हैं और उसी के बारे में हमको पढ़ना है और इस क्वेश्चन का आंसर तैयार करना है। हम देखते हैं आईटी गैजेट्स क्या होते हैं और उनकी एप्लीकेशन क्या होती है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जान जाते हैं गैजेट के बारे में कि गैजेट क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो गैजेट का एक दूसरा नाम जान लीजिए। गैजेट का एक दूसरा नाम होता है विडजेट, ओके, जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। हमने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन रेफरिंग टू गैजेट इट्स एन अनदर नेम फॉर अ विडजेट। यदि आप गैजेट की बात करते हैं तो गैजेट का एक दूसरा नाम विडजेट भी होता है। अब आईटी गैजेट होता क्या है जान लेते हैं। हमने लिखा है, अ गैजेट इज अ स्मॉल टूल और डिवाइस दैट हैज अ स्पेसिफिक यूजफुल पर्पस एंड फंक्शन। यानी गैजेट ऐसे स्मॉल टूल्स या डिवाइसेस हैं जिनका अपना एक स्पेसिफिक यूज होता है या स्पेसिफिक फंक्शन होता है, या कह लीजिए कि हम किसी ना किसी विशेष पर्पस से इन डिवाइसेस का यूज करते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने लिखा है, गैजेट टेंड टू बी मोर अनयूजुअल और क्लेवरली डिजाइन देन नॉर्मल टेक्नोलॉजी। देखिए, बेसिकली जो गैजेट होते हैं ये सामान्य तकनीक के अलावा कुछ विशेष है ना, यानी कुछ ज़्यादा अच्छी तकनीक का यूज करके बनाए जाते हैं। यहाँ पे लिखा है ना क्लेवरली, क्लेवरली का मतलब तो होशियार होता है, चालाक होता है, लेकिन यहाँ पे क्लेवरली का मतलब है कि एक अच्छी टेक्निक का यानी वो बहुत ऊंची टेक्निक का यूज करके हम इन गैजेट्स को तैयार करते हैं, ठीक है। यानी सामान्य टेक्निक का यूज़ नहीं करते या सामान्य तकनीक का यूज नहीं करते, उसकी अपेक्षा थोड़ी उच्च तकनीक का या काफी चतुराई से यूज की हुई तकनीक का हम इसमें यूज करते हैं। जैसे कि आप नॉर्मली समझ जाएंगे ना कि कोई भी गैजेट है जो कि जिसमें इंटरनेट चल रहा है, जिसमें आप सारी चीज़ें देख पा रहे हो, पूरी दुनिया की चीज़ें समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो, पूरी दुनिया को अपने मैसेज भेज पा रहे हो, तो बेसिकली क्या है, इसको बनाने में कुछ ना कुछ ज़्यादा माइंड का तो यूज़ हुआ होगा ना, ठीक है। तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, क्लेवरली डिजाइंड। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम कुछ आईटी गैजेट्स देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है स्मार्ट वॉच, दूसरा होता है गूगल ग्लास, तीसरा होता है ड्रोन कैमरा, चौथा होता है पेन एंड कैमरा। इस तरीके से और भी कई सारे आईटी गैजेट्स होते हैं, जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, आपका नोटबुक हो गया, इस तरीके की और भी कई सारी डिवाइसेस होती हैं, पर हमने अपने आंसर में यहाँ पे चार डिवाइसेस के बारे में ही बताया है, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसके हिसाब से ये आंसर सफिशियंट है। हम एग्जामिनेशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन कितने नंबर का आता है उसका आंसर हमको किस हिसाब से और कैसे देकर आना है। तो आइए अब इनके बारे में हम विस्तार में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं स्मार्ट वॉच के बारे में। देखिए, आपको जो वॉच दिख रही है इसको हम स्मार्ट वॉच कहते हैं। दिखने में तो बिल्कुल साधारण घड़ी जैसी है, लेकिन इसमें कुछ स्मार्ट फीचर्स हैं, यानी इसमें वो सारे फीचर्स हैं जो एक स्मार्टफोन में होते हैं, वही सारे फीचर इस घड़ी में भी होते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं स्मार्ट वॉच क्या होती है।
तो हमने लिखा है स्मार्ट वॉच कैन रन एप्स एंड प्ले बैक ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिजिटल मीडिया लाइक ऑडियो ट्रैक और रेडियो स्ट्रीम टू ब्लूटूथ हेडफोन। ठीक है, जो स्मार्ट वॉच है उसमें भी क्या होती है, कई सारी एप्लीकेशंस रन होती हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन में होती है ना, मोबाइल फ़ोन में आप व्हाट्सएप चला सकते हो, फेसबुक चला सकते हो, इंस्टा चला सकते हो, इसी प्रकार इस तरीके की कई सारी एप्लीकेशंस आप अपनी इस वॉच में भी चला सकते हो। साथ ही साथ में मीडिया से रिलेटेड, यानी आप गाने सुन सकते हो इसमें, इसमें वीडियो देख सकते हो, इसमें ऑडियो सुन सकते हो, कई सारे काम आप इस वॉच के थ्रू कर सकते हो। इवन आप रेडियो भी सुन सकते हो और जो ब्लूटूथ हेडफोन आते हैं उनका भी यूज़ इसमें कर सकते हो आप। यानी एक तरीके से मोबाइल फ़ोन का ही दूसरा रूप है ये, है ना, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन जो है आपके उसी का एक दूसरा रूप है। यहाँ पे हमने लिखा है मैनी ऑफ दिस वॉच हैव टच स्क्रीन विच अलाउ यू टू एक्सेस फंक्शन लाइक अ। ठीक है, कई सारी वॉच ऐसी होती हैं जिनमें टच स्क्रीन होता है, ठीक है, और ये भी कई सारे फंक्शंस एक्सेस कर सकती हैं, जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे कैलकुलेटर, थर्मोमीटर, कंपास एंड मैनी मोर। यानी ये जितने भी फीचर्स हैं ना जो कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में, यानी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में यूज़ करते हो, वो सारे फीचर्स आप इस स्मार्ट वॉच में यूज़ कर सकते हो। आप इसमें कैलकुलेशंस कर सकते हो, आप इसमें थर्मामीटर का यूज़ कर सकते हो, कंपास यानी कि आप डायरेक्शन देखने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हो, और कई सारे काम, कई सारे फंक्शंस आप इस वॉच के थ्रू कर सकते हो। और कई सारे काम आप इस वॉच के थ्रू कर सकते हो, यानी इस वॉच में कई प्रकार के फंक्शंस होते हैं जिनको आप एक्सेस कर सकते हो। स्मार्ट वॉच के बारे में और देखते हैं हम, तो हमने लिखा है स्मार्ट वॉच जस्ट लाइक अ स्मार्टफोन, जो आपकी स्मार्ट वॉच है वो स्मार्टफोन की तरह ही होती है। जस्ट लाइक स्मार्टफोन यू कैन यूज स्मार्ट वॉच, ठीक है, जैसे कि आप स्मार्टफोन का यूज करते हो वैसे ही आप स्मार्ट वॉच का भी यूज कर सकते हो। हमने लिखा है बिकॉज इट ऑल्सो हैव कैपेबिलिटी लाइक, क्योंकि इसमें भी कई सारी कैपेबिलिटीज यानी क्षमता होती है। कौन कौन सी क्षमता होती है इसमें स्मार्टफोन की तरह? आप स्मार्ट वॉच में इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो, आप स्मार्टफोन में GPS भी देख सकते हो, यानी GPS पर भी आप वर्क कर सकते हो, मैसेजिंग एंड मैनी मोर, यानी आप स्मार्ट वॉच के थ्रू मैसेज भी सेंड और रिसीव कर सकते हो। फिर हमने लिखा है विद द हेल्प ऑफ ब्लूटूथ यू कैन प्लेस कॉल एंड सेंड एंड रिसीव मैसेजेस। ठीक है, आप इसमें ब्लूटूथ की सहायता से फ़ोन भी कर सकते हो, यानी यहाँ आपको फ़ोन लगाने तो फ़ोन भी लगा सकते हो, फ़ोन रिसीव भी कर सकते हो, और मैसेज जो है उनको भी सेंड एंड रिसीव कर सकते हो। ना अब सेकेंड गैजेट देख लेते हैं, जो कि आपका गूगल क्लास। इस तरीके के होते हैं गूगल ग्लास, यानी कि आप जो चश्मा पहनते हो ना नॉर्मल, वैसे ही गूगल ग्लास भी होते हैं। ठीक है, चश्मे में ही कुछ ऐसे ग्लास होते हैं, यानी जैसे आपके चश्मे में कांच लगे होते हैं ना जिनकी सहायता से आप देखते हो, ऐसे गूगल ग्लासेस भी आते हैं ना। तो एक ऐसा चश्मा आता है जिसके द्वारा आप इंटरनेट चला सकते हो, और उसको भी साधारणतः इस तरीके से आप पहन सकते हो, जैसे इसने पहन रखा है ना लड़के ने, इस तरीके से पहन सकते हो। चलिए आइए इसके बारे में जान लेते हैं गूगल ग्लास के बारे में। गूगल ग्लास इज अ वियरेबल वॉइस कंट्रोल्ड एंड्रॉइड डिवाइस दैट रिसेंबल्स अ पेयर ऑफ आई ग्लासेस एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन डायरेक्टली इन द यूजर्स फील्ड ऑफ विजन। ठीक है, गूगल ग्लास क्या है? एक वियरेबल यानी पहनने लायक डिवाइस है, जिसको आपको पहनना पड़ता है चश्मे की तरह। ठीक है, फिर हमने लिखा है वॉइस कंट्रोल्ड एंड्रॉयड डिवाइस, जो बेसिकली आपका ये गूगल ग्लास है, ये आपकी वॉइस से कंट्रोल हो जाता है, यानी आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए ना आप वॉइस के थ्रू इसको इनपुट दे सकते हो। जैसे कि आप मोबाइल में देखते होगे ना आजकल, आप गूगल में वॉइस के थ्रू इनपुट देते हो, यानी वॉइस के थ्रू कोई भी क्वेश्चन पूछते हो गूगल उसका आंसर दे देता है, यानी आपको टेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं होती है ना। इसी प्रकार ये गूगल ग्लास भी वॉइस से कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, और कैसे बनता है? तो हमने लिखा है दैट रिअसेंबल्स अ पेयर ऑफ आई ग्लासेस,
यानी ये जो गूगल ग्लास होता है इसमें दो आई ग्लास का पेयर होता है ना, सेम जैसे हमारा नॉर्मल चश्मा होता है। और इस गूगल ग्लास में क्या होता है, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन डायरेक्टली इन द यूजर्स फील्ड ऑफ विजन, यानी आपकी आंखों के सामने सारी की सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाती है इन गूगल ग्लास पे। ठीक है, जैसे आपके हाथ में मोबाइल फोन होता है ना, अब मोबाइल फोन में तो क्या, वो आपके हाथ में और आप उसमें सारी चीजें देख रहे हो, बस वही मोबाइल फोन की सारी इंफॉर्मेशन मान लीजिए गूगल ग्लास है ना, या वही मोबाइल मान लीजिए पूरा गूगल ग्लास है। ठीक है, तो गूगल ग्लास बेसिकली एक ऐसा ग्लास होता है जिसमें आप सर्च कर सकते हो अपनी इन्फॉर्मेशन, और जो भी इन्फॉर्मेशन आप सर्च कर रहे हो वो आपकी आंखों के सामने उस ग्लास के ऊपर डिस्प्ले होने लगती है। ठीक है, और साथ ही साथ में सबसे अच्छी बात, ये जो आपके गूगल ग्लास है ये आपकी वॉइस से कंट्रोल हो जाता है। फिर हमने लिखा है, गूगल ग्लासेस ऑफर एन ऑडियो एंड लोकेशन बेस्ड इनपुट टू प्रोवाइड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। देखिए, जो आपके गूगल ग्लास होते हैं ना, ये आपके स्मार्टफोन से भी थोड़े ज़्यादा एडवांस होते हैं। ठीक है, गूगल ग्लास हमें ऑफर करते हैं कि हम ऑडियो के थ्रू इनपुट दे सकें, या गूगल ग्लास में एक सबसे अच्छी सुविधा होती है कि ये क्या लोकेशन के हिसाब से भी सारा इनपुट ले लेता है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, अपॉन एंटरिंग एन एयरपोर्ट अ यूजर कुड ऑटोमेटिकली रिसीव फ्लाइट स्टेटस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, गूगल ग्लास क्या करता है, लोकेशन बेस्ड इनपुट लेता है। जैसे कि जैसे ही आप मान लीजिए एयरपोर्ट में एंटर करते हैं, ठीक है, तो जैसे आप एयरपोर्ट में एंटर करेंगे वैसे एयरपोर्ट में फ्लाइट के क्या क्या स्टेटस है वो सारे के सारे आपके इस गूगल ग्लास में डिस्प्ले होने लगेंगे, यानी आपके आंखों के सामने सारा के सारा, यानी आपकी आंखों के सामने सारी के सारी जानकारी डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, और ये जो आएगा डिस्प्ले ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, यानी ये लोकेशन के हिसाब से भी इनपुट लेता है और आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। अब हम बात कर लेते हैं ड्रोन कैमरा की। देखिए, इस तरीके से आपका एक हवाई जहाज होता है उसी तरीके से ये ड्रोन कैमरा होता है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। अ ड्रोन इज एन अननेम्ड एयरक्राफ्ट और शिप दैट कैन नेविगेट ऑटोनोमसली विदाउट ह्यूमन कंट्रोल और बियॉन्ड द लाइन ऑफ साइट। ठीक है, यानी जो ड्रोन कैमरा है वो कैसा है, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, यानी ड्रोन एक ऐसा हवाई जहाज है जिसमें किसी इंसान की, यानी किसी इंसान को उसमें बैठने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, सो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट यानी ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसमें किसी इंसान को बैठने की आवश्यकता नहीं है। ऑटोमेटिक ही ये जो ड्रोन है, यानी ये जो ड्रोन जैसा हवाई जहाज है, ये ऑटोमेटिक ही उड़ता है, अपने आप ही उड़ता है, इसे मानव नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। फिर हमने लिखा है ड्रोन इक्विप्ड सुसज्जित, यानी ड्रोन में कई सारी चीज़ें लगी हुई होती हैं, यानी ड्रोन कई चीज़ों से सुसज्जित होता है। जैसे क्या क्या चीज़ों से सुसज्जित होता है, तो हमने लिखा है कैमरा, यानी जो ड्रोन हवाई जहाज है इसमें कैमरा लगा होता है, GPS गाइडेड मिसाइल्स। ठीक है, इसमें कुछ मिसाइल्स होती हैं जो कि GPS यानी जो ग्लोबल पोजिशन सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, तो ये क्या पोजिशन बताती रहती है सब दूर के, है ना, स्थिति बताती रहती है। इसमें GPS यानी ग्लोबल पोजिशन सिस्टम भी फिट होता है, नेविगेशन सिस्टम भी ड्रोन के अंदर होता है, ड्रोन के अंदर कुछ सेंसर्स भी होते हैं, और इस तरीके से और भी कई सारी चीज़ें, जितना भी एडवांस ड्रोन होगा उसमें और भी उतनी सारी नई नई चीज़ें लगी हुई होती हैं। नेक्स्ट आता है पैन विथ कैमरा। एक और न्यू IT गैजेट है जो कि पैन के रूप में हमारे सामने आता है। ये पैन होता है और इस पैन में एक छोटा सा कैमरा फिट होता है, सेम ये इस तरीके से दिखता है, ये एक पैन है और इसमें एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ है। ठीक है, ना पढ़ लेते हैं इसके बारे में। थ्रू इट मे सेम स्ट्रेंज स्पाई गैजेट आर पॉसिबल टू यूज फॉर प्रोटेक्शन। ये सुनने में थोड़ा सा हमको अजीब लगता है कि पर जासूसी करने के लिए ये एक सबसे अच्छा उपकरण है। ठीक है, ये एक पेन की तरह होता है, इसको आसानी से आप अपने शर्ट की जेब में रख कर जा सकते हैं, किसी को नहीं पता चलता कि इसमें जो कैमरा है वो ऑन है या नहीं है। तो आपको कहीं की भी रिकॉर्डिंग करना है या कुछ किसी भी प्रकार की जासूसी करना है तो आप वहाँ पे अपना पेन छोड़कर आ सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ कामों के लिए हम इस तरीके के पेन का यूज़ करते हैं। मैनी पीपल यूज देम फॉर टास्क व्हेन वीडियो प्रूफ इस कैन बी हेल्पफुल
ये सच है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको सही कर देती हूँ। SUCH, सच। सच एज मेकिंग अ डिलीवरी। कई लोग इसको डिलीवरी करने के लिए यानी प्रोडक्ट की डिलीवरी करने के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कि पैन लगा होता है इनकी शर्ट में, ठीक है। और जब भी सामान डिलीवरी करते हैं डिलीवरी बॉय, तो सामान की डिलीवरी की रिकॉर्डिंग उस पैन में ऑटोमेटिक हो जाती है, तो एक वीडियो प्रूफ है कि भाई हमने सामान वहाँ पर डिलीवर किया हुआ है। तो इस तरीके से चार गैजेट होते हैं। गैजेट कई सारे होते हैं, लेकिन हमने चार को इसमें बताया है। इस तरीके से आपको अपना आंसर तैयार करना है। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, एंड लाइक एंड शेयर प्लीज़। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।